गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जल्दी से बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है जल्दी से सारे बच्चे देख पा रहे हैं इस क्लास को अरे वाह थैंक गॉड नहीं नहीं आपकी ये क्लास मैंने पहले तो टाइम से शुरू कर दी थी लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास बंद हो गई थी इसलिए जो है ना वो यहाँ पे की है मतलब इसलिए इसको दोबारा शुरू किया तो अभी दिख रही हूं मैं एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ और ये पूरा देखो मुझे मुझे जब आर आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था ना मुझे तभी पता था ये फेक है तो भाई साहब आपके आर का जो नोटिफिकेशन आया है ना दैट इज कम्प्लीटली फेक वो फेक है उसका रीजन ये है कि मैंने आपको तभी भी बताया था कि आर जो नोटिफिकेशन वो फेक है वो फेक है इसीलिए मेरा पहला थमनेल ही फेक के ऊपर था क्योंकि उसमें पहला क्वेश्चन जो मुझे दिमाग में आरपीएफ के नोटिफिकेशन के साथ ही लगा कि अप्रैल के अंदर आपका आप फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन दे रहे हो और आपका भरवाने का शुरू जो है ना वो अप्रैल होगा अब ये जो पीआईवी है ना उसने क्लियर कर दिया है प्रेस ट्रस्ट प्रेस पीआईवी का फैक्ट चेक है ये कि फेक नोटिस जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के uh, uh, संदर्भ में जारी किया गया है विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग इट इज अ फेक नोटिफिकेशन तो आरपीएफ का कोई नोटिफिकेशन है या एग्जाम अभी आपका आया नहीं है डोंट वरी अबाउट जब भी आएगा आपको करा दी जाएंगी सारी चीजें उसकी टेंशन नहीं करिए हाँ जी बिल्कुल आज आपका आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो फेक है लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल स्टडी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो हम आगे जो नोटिफिकेशन सचमुच के आ चुके हैं उनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं साइंस टॉप फिफ्टी इसका मतलब क्या है टॉप फिफ्टी का मतलब क्या है ये जो आपकी नोटिफिकेशंस जो भी आ रहे हैं या जो भी आपका हम यहाँ पे साइंस की तैयारी करने लग रहे हैं इस साइंस की तैयारी में मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी टॉपिक के जो मैक्सिमम फिफ्टी गुड क्वेश्चन होंगे या ऐसे पचास क्वेश्चन है इस आ ऐसे पचास देखो मैंने कहा था ना अच्छा क्लास के मॉनिटर भाई साहब जी आप बोल रहे थे ना मैं उस नोटिफिकेशन को करने का बिल्कुल भी मंशा में नहीं थी लेकिन मुझे ये पता था कि ये नोटिफिकेशन कहीं से भी सच्चा नहीं आई टोल्ड यू ये वाला पॉइंट ना अब आप मेरी बात पे यकीन मानोगे कि नहीं मानोगे ना अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी भी तरीके की अरे माइडम का बता दी ये हमको अब तो ऐसा कुछ नहीं है नाउ यू अंडरस्टैंड कि सामने वाले पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस बायोलॉजी का ये जो है ना वो आइडियली आपका पॉइंट नंबर टू है कल जो लाइट हमने किया है ना ह्यूमन आई जो हमने की है ह्यूमन आई वो हमारा पहला टॉपिक था जो मैंने किया है ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ोगे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप में से किसी को भी एक सेकंड के लिए भी लग रहा है अच्छा ये टॉपिक क्यों करा रही है मैडम यार कुछ और कराना चाहिए है ना कुछ इंपॉर्टेंट तो आप याद रख लीजिए ये एक ऐसा टॉपिक मैं करा रही हूँ इस टॉप ऐसा टॉपिक मैं करा रही हूं, टौप, हूं जहां से आप ये मान लो कि आज की क्लास का जो पी है उसको पढ़ लेना और आज पूरी क्लास एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेगा और आप मुझे क्लास कोट करके बताना कि मैडम आपने जो एक क्लास ली थी ना उस क्लास में से आज एक क्वेश्चन आया है यही चीज जो है ना वो यहाँ पे अपने को थोड़ी सी याद रखनी है ठीक है तो ये याद रखिए कि आपकी क्लास जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है ये लेट स्टार्ट विद दिस सीधा आज के क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं पहले से नहीं बता रही कि मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगी आप मुझे क्लास के बाद बताना कि मैंने आज आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए वी स्टार्ट विद दिस इस टॉपिक का मतलब क्या है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी इतना इतना वेरिएशन और किसी सब्जेक्ट में नहीं है जब आप बायो पढ़ते हो ना जब आप साइंस पढ़ते हो खासकर बायो तो आपके पास तमाम चीजें होती हैं आपके पास इतनी सारी लॉजी होती है जिसमें सबसे बड़ी लॉजी है बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है भाई हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मैं अगर इस वर्ड को जरा तोड़ने की कोशिश करूं मैं अगर आपको ये बताने की कोशिश करूं कि मैंने यह बायोलॉजी लिखा है इस वर्ड का खुद का दो का मतलब है बायो का मतलब होता है लिविंग लिविंग का मतलब होता है बायोटिक बायोटिक का मतलब है जैविक जैविक का मतलब है कोई भी चीज जिंदा है ना और लॉजी शब्द क्या होता है लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन अब आप अपने घर में आपकी मम्मी पूछेंगी कि आप क्या पढ़ रहे हो तो वो आप, आप उनको क्या बताओगे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ठीक है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ठीक है कौन पढ़ा रहे हैं मैडम पढ़ा रही है ना अब मैं, जब मम्मी आपकी पूछती है कि अच्छा बायोलॉजी सब, क्या सब्जेक्ट होता है पता नहीं तो आप उनको ये बताओ कि हम बायोलॉजी के, के अंदर क्या चीज का अध्ययन करते हैं हम जिंदा चीजों का अध्ययन करते हैं हम जैविक चीजों का अध्ययन करते हैं लेकिन ये बायोलॉजी अपने आप में एकदम ऐसे ऐसा नहीं है कि क्लोज एंटिटी है यहाँ पे आप क्या कर आप आप रहे हो आप बॉटनी पढ़ रहे हो है ना आप बॉटनी पढ़ रहे हो आप जोलॉजी पढ़ रहे हो आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो यहाँ पे है ना उसके अलावा आप ऑर्निथोलॉजी पढ़ रहे हो ठीक है ऑर्निथोलॉजी तो उसके अलावा आप ऑर्कोलॉजी भी पढ़ सकते हो और कई सारे तो ऐसी चीजें हैं जो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की ही सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी जो है है ये अपने आप में क्या है? जैविक चीजों का अध्ययन है यानी कि आप वो पढ़ रहे हो जो चीजें जिंदा है मैं पूरी बायो में आपको ये नहीं बताऊंगी ना ये पेन कैसे बना टेबल कैसे बनी चेयर कैसे बनी ये बेड कैसे बना ये मटेरियल कैसे बना ये रूम कैसे बना तो वो तो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ये बिल्डिंग कैसे बनती है कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो आप सिविल इंजीनियर्स में पढ़ते हो कोई भी गाड़ी बनती है वो कैसे बनती है कार कैसे बनती है वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो आप जब नॉन लिविंग चीजों की बात करते हो तो ये सारी ब्रांचेस हैं लेकिन जिस मोमेंट आप लिविंग जिंदा चीजों की बात करते हो तो आप बायोलॉजी पढ़ते हो अब बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन थे अरस्तु जी अरस्तु भगवान जी के समान ही हमारे लिए है ना इतनी सारी थ्योरी देखी गए अरिस्टोटल ये 368 एट बीसी के आसपास थे 364 बीसी के आसपास थे यहाँ पे 364 BC बीसी के आसपास जिन्होंने बायोलॉजी शब्द जो है ना उसको उत्पन्न किया बाद में अरस्तु जी ने एक काम आपके लिए बढ़ा दिया मेरे लिए भी बढ़ा दिया इन्होंने बायोलॉजी को क्या कर दिया दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लीजिए भैया एक होगा जोलॉजी जहां पे आप एनिमल पढ़ोगे और एक होगा बॉटनी जहाँ पे आप पौधों के बारे में पढ़ोगे आप बॉटनी पढ़ोगे और आप जोलॉजी पढ़ोगे दिस इज वट वी हैव टू लर्न अब इन्हीं के क्वेश्चंस के आपको मुझे आंसर देने हैं और बाकी जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो और साथियों को जोड़िए शेयर कर दीजिए इस क्लास को और ये है आपके साइंस टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो कि एल के लिए और आपके टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है पूरी साइंस पूरी साइंस में मैंने आपको उस दिन भी बताया नाइन्टी से ज्यादा टॉपिक है जिनके हम एमसीक्यूज करने वाले हैं साइंस लेकिन टॉपिक वाइज ठीक है तो एक टॉपिक पूरा एक दिन में कंप्लीट आज आप मेरे साथ ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ रहे हो और देखना कितने क्वेश्चन आते हैं कितनी चीजें आती हैं जो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी लेट स्टार्ट विद दिस ह्यूमन आई की पीडीएफ मिल चुकी है भाई आंख है हमारे पास साथ में हमारे पास दिमाग भी है जब मैं आपको ह्यूमन आई -like पढ़ा रही हूँ मैं आपको बता चुकी हूँ पीडीएफ कहाँ कहाँ मिलेगी पीडीएफ तीन जगह अपडेट होती है टेलीग्राम चैनल पे क्लास खत्म होते के दस मिनट के अंदर ना पीडीएफ अपडेट हो जाती है भाई हमें ये जो क्लासेस आपकी अरेंज होती है ना जो पीडीएफ आपकी पढ़ती है ना ये हमारे संजय भैया डालते हैं और वो मुझसे पहले आपसे मतलब मैं पीडीएफ बाद में देती हूँ वो मुझसे पहले मांग लेता है भाई अगला ही इज वेरी कंसिस्टेंट इन हिज वर्क तो आप ना ये चीज नहीं बोला करो पीडीएफ नहीं अपडेट हुई है पीडीएफ पूरी अपडेट हुई है आरपीएफ की कोई वैकेंसी नहीं आई है आरपीएफ आपका फेक नोटिफिकेशन है ठीक है आरपीएफ की कोई वैकेंसी नहीं है मैंने इसीलिए इस चैनल पे सबसे पहली चीज यही आई थी कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन फेक है ठीक है वो फेक है जल्दी से चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं अच्छा इस संडे को इस संडे और सैटरडे जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो आ, इस बार इस सैटरडे को हम ना दो सौ क्वेश्चन कर रहे हैं जो वन शॉर्ट वीडियो होगा जो हमको यहाँ पे हेल्प करेगा ठीक है भाई जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो वो एनसीआरटी से पढ़ रहे हो बायोलॉजी आप तो अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन से पहले पूरी थ्योरी पढ़ना चाहिए तो वो आप फाउंडेशन बैच रेलवे का जो है वो ज्वाइन कर लो जो क्लास 24 में रेलवे रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच में जाके एनरोल कर लीजिए आज की क्लास तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी पहला है इन्वेंशन और डिस्कवरी किसने क्या खोजा दूसरी चीज होगी ब्रांचेस ऑफ तो बायोलॉजी के क्वेश्चन और तीसरी चीज होगी कि वो आपके रेलवे के किस एग्जाम में अभी तक पूछा गया है ठीक है रेलवे के किस एग्जाम में आपसे पूछा गया है ये चीज है क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कोशिश करिए सारे क्वेश्चन के आंसर आप दें और अगले एक घंटे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने बाकी पूरी कोई भी चीज है जो आपको मुझसे पूछनी है कैसे होगा क्या होगा कब होगा क्यों होगा ये सब आप जो है वो आप मुझसे लास्ट में पूछिएगा लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन क्योंकि आखिरी में आपको मुझे ये भी बताना है कि मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं और आपके कितने ठीक हैं चलिए हु वाज द फादर ऑफ जूलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र या फिर जंतु जगत कहा जाता है जंतु जगत इसके जनक कौन थे तो अरस्तु करके याद रखिए अरस्तु ने जो है वो बायोलॉजी की डिस्कवरी भी की थी इसीलिए बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है अरस्तु तीन चीजों के जनक माने जाते हैं एक फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एक ही हमारी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जगत भी जनक भी इनको कहा जाता है और तीसरी चीज याद रख लीजिए भ्रूण विज्ञान क्या भ्रूण विज्ञान भ्रूण विज्ञान के जनक भी जो है वो किसको कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से देखिएगा और आंसर करेगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े द फादर ऑफ बायोलॉजी अरेस्टोटल जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है द वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन माई ट्रिवरेंस एंड लेमार्क ये जो शब्द बायोलॉजी है वो ट्रिवरेंस और लेमार्क ने दिया था अठारह में आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है दोनों ही सही है एक भी सही नहीं है ओनली वन और ओनली टू जल्दी से क्वेश्चन hmm. आपकी स्क्रीन पे है आंसर आपको देना है ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और अरस्तु तीन चीजों के जनक जाने जाते हैं बायोलॉजी के जोलॉजी के और एम्ब्रियोलॉजी के बायोलॉजी के जोलॉजी के और जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के कहे जाते हैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए नीचे दिए गए कथनों को ध्यान ध्यानपूर्वक देखिए भाई ध्यान पूर्वक देखना आपको फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं दूसरा लिखा हुआ है कि वर्ड बायोलॉजी वाज गिवन बाय ट्रेवरेंस एंड लमार्क इन 1808 जो लोग दोनों दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है जो मुझे बताइए जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट वन ठीक है वो क्यों बता रहे हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं स्टेटमेंट वन ठीक है हां जी कांस्टेबल का जो एग्जाम आ रहा है आरपीएफ का वो फेक है मैंने इसीलिए थंबनेल ही मैंने रियल और फेक के साथ किया था इसमें बहुत आंसर जो है वो गलत है आप लोग को ओनली वन लिखना है क्यों भाई बायोलॉजी शब्द तो ट्रिवरेंस और लमाक नहीं दिया था बायोलॉजी शब्द तो ट्रिवरेंस और लमार्क नहीं दिया था लेकिन अठारह में नहीं दिया था ना कब दिया था अठारह में दिया था 1801 के लिए दिया था तो 1808 सो कहां से इंपॉर्टेंट है 1808 मैंने इसलिए है डाली है क्योंकि 1808 में डाल्टन की थ्योरी आई थी किसकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी याद रखिए 1808 में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ना वो आया था जिसके बेसिस पे कहा जाता है डाल्टनज एटॉमिक थ्योरी ठीक है डाल्टनज एटॉमिक थ्योरी आंसर एक ओनली वन जो है वो करेक्ट है बॉटनी इज आल्सो नोन एज वनस्पति विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है क्या बात है ना मैंने क्या बोला मेरे क्वेश्चंस को इतनी आसानी से आंसर आप कर दोगे और मैं ऐसे कर दूंगी है ना मैं मेरे मैं भाई बायो के साइंस के केमिस्ट्री के फिजिक्स के क्वेश्चन जब आप मेरे साथ करो तो पे याद रखो कि इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करना पड़ेगा ठीक है तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर करिए इतना ईजी नहीं है ठीक है बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज वनस्पति विज्ञान को और किस रूप में जाना जाता है तो हम इसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं फाइटोलॉजी कहते हैं फाइटोलॉजी या फिर प्लांट ऑफ फाइटा प्लांट फाइटा हाँ हाँ भाई ये न्यूज अब पुरानी होगी आरपीएफ की न्यूज फेक है ये न्यूज पुरानी हो गई अब आप पढ़िए हम बॉटनी बाट, क्या होता है यहाँ वनस्पति जी विज्ञान वनस्पति मतलब जहां पे हम पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं हम इसको प्लांटोफाइटा बोलेंगे क्या बोलेंगे प्लांटोफाइटा प्लांट्स मतलब पौधे फाइटा जो वर्ड है ये भी आप पौधों के लिए ही इस्तेमाल करते हो स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है वो फाइटा कही जाती है तो प्लांटोफाइटा कॉमन तो नाम था उस किताब का नाम क्या था एनक्वायरी इंटू प्लांट एनक्वायरी इंटू प्लांट्स या फिर इसी किताब का जो नाम रखा गया था वो था हिस्टोरिया प्लांटरम हिस्टोरिया प्लैंटेरम हिस्टोरिया प्लैंटेरम हिस्टोरिया प्लान्टरम करके याद रखिए और थियोफ्रेस्टस नाम याद रखिएगा जिस समय बॉटनी को थियोफ्रेस्टस यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे लिख रहे थे 500 प्लांट्स के बारे में समझा रहे थे उसी समय जो है वो यहाँ पे हमारे पास अरिस्टोटल भी थे अरस्तु भी थे जो जोलॉजी को समझा रहे थे तो बॉटनी और जोलॉजी साथ साथ चल रही थी लेकिन बॉटनी अरस्तु ने कहा भाई मैंने बहुत कर लिया मेरे पास तो खिताब ही किताब है मुझे तो सब आता है थोड़ा सा तुम भी कर लो तुम्हारा नाम भी हो जाएगा हिस्टोरिया प्लैंटरम नाम की किताब लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने जो कि पौधों की 500 प्रजातियों के बारे में लिखा गया था इसीलिए थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं ठीक है पोलियो का टीका किसने आविष्कार किया था कुछ क्वेश्चन आपके इन्वेंशन और डिस्कवरी के फिर हम लॉजी लॉजी पे आएंगे बहुत सारा लॉजी करेंगे ठीक है पोलियो की वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी जोनस सेक दो बूंद पोलियो के है ना दो बूंद पोलियो के ये किसने डिस्कवर किया जोनस सेक के द्वारा दो तरीके की दवाई हमको इस्तेमाल होती है एलबर्ट सेवन और जोनस सेक पोलियो की जोनस सेक के द्वारा जो ओरल ड्रॉप्स दी गई थी वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है खसरा का टीका वैक्सीनेशन फॉर मिजल्स किसने स्टाफ किसने खोजी थी मॉरिस हिल्समैन करके याद रखे मॉरिस हिल्समैन इन द ईयर 1929 हेनरिक डैम मेजर मेजर मेक अ मेजर इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी जहां पे उन्होंने एक विटामिन को डिस्कवर किया उन्होंने कौन से विटामिन को डिस्कवर किया था बताइए 1929 में इस डिस्कवरी के बाद आप यह समझ लीजिए कि जो प्लेट जो ब्लड क्लॉटिंग है वो रुक गया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पता लग गया था और उसके बाद डॉक्टर्स या फिर कह लीजिए कि सर्जरी करना आसान हो गया था बताइए जरा 29 29 1929 1929 में हेनरिक हेनरिक डैम के द्वारा एक डिस्कवरी होती है जो विटामिन की थी वो कौन सा विटामिन था मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग का विटामिन था और ब्लड क्लॉटिंग का विटामिन कौन है विटामिन के लर्न कैसे करेंगे हेनरिक में के जो है वो पीछे आ रहा है और विटामिन के आपको लर्न करना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हेनरिक में के पीछे आ रहा है और के ही आपको यहाँ पे लगाना है विटामिन के करके याद रखिए ठीक है फंक ने क्या डिस्कवर किया था वट वॉज दिस्क... फंक डिस्क फंक डिस्कवर्ड वर्ड फंक जो है वो कैशमीर फंक इनका पूरा नाम है कैशमीर फंक कैशमीर फंक जिन्होंने क्या डिस्कवर किया विटामिन डिस्कवर किए हमारे शरीर में विटामिन ई e, एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है ये किसके द्वारा खोजा गया था मैं फिर से बता रही हूं आज के सेशन में तीन तरीके के क्वेश्चन है पहला इन्वेंशन और डिस्कवरी यहाँ पे देख लो दूसरा हम जो है वो ब्रांचेस के बारे में ही बात करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और तीसरा सेक्शन वो होगा जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन आज इन एग्जाम मैं आपको एग्जाम का नाम भी बताऊंगी कि कौन से एग्जाम में वो पूछा गया है ठीक है विटामिन e एक इंपॉर्टेंट एंटी है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है ये जो ऑक्सीडेंट है वो किसके द्वारा खोजा गया था तो और स्कॉट बाईस और अब अच्छा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को थोड़ा भी कोरिलेट कर पाया है क्या कनेक्ट कर पाया ये जो विटामिन ई e है विटामिन ई e के बाजार में कैप्सूल आते हैं बताओ किस नाम से आते हैं विटामिन ई e के बाजार में कैप्सूल आते हैं जो किस नाम से आते हैं एवियोन के नाम से आते हैं एवियोन के नाम से आते हैं ठीक है और ये एवियन नाम पता है आपको कहाँ से डिराइव हुआ है उसके डिस्कवरर पे ही हुआ है आप बाजार में जाइए आप विटामिन ई e के कैप्सूल मांगे वो खा भी सकते हो और स्किन पे लगा भी सकते हो वो विटामिन जो है ना वो किसके द्वारा खोजा गया था इवंस और स्कॉट बिस्ॉक इसीलिए एवियन जो है ना उसका नाम भी रखा गया था अब आप नहीं भूलोगे है ना ये बताओ किसने साबित किया कि डोपामिन मस्तिष्क में एक न्यूरो है जिसकी कमी से पार्किसन रोग के लक्षणों को सिम्टम जो है वो नजर आते हैं पार्किंसन बीमारी कौन सी होती है आपने पार्किंसन डिसऑर्डर सुना है जहां पे ब्रेन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है लेकिन हमको ये पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है किसका बना हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है न्यूरॉन कोशिकाओं का बना हुआ है जो कि आपस में फिर कभी डिवाइड नहीं करती जन्म से हमको जितने न्यूरॉन्स मिले हैं उतने ही हमारे पास मौजूद होते हैं नर्व सेल डैमेज हो जाती है दिमाग की अगर वो ड्रोपामिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है डोपामिन या फिर पार्किंसन जो है वो क्या होता है या सिम्टम्स अगर मैं कहूं तो क्या होते हैं कि धीरे धीरे जेनेटिकली क्या होता है चीजों को आइडें आइडेंटिफाई करने की जो चीजें हैं वो दिक्कत हो जाती है जैसे आपको पोस्चर बनाना बैलेंस करना खड़ा होना बैठना ये सब चीजें आप नहीं कर पाओगे ये सब चीजें करने में हम असफल होते हैं तो डोपामिन जो है एक जरूरी चीज है जो हमारे शरीर के लिए चाहिए और वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था अरविंद कार्लसन करके याद रखिए एरविन कार्सल एरविड कार्सल ठीक है एरविड कार्सल के द्वारा इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट होक ने कोशिका कोशिका की खोज किस साल में की थी तो सोलह याद रखिए सेल की डिस्कवरी कौन से साल में हुई थी 1665 किसने की थी रॉबर्ट होक ने की थी पहली बार प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किसने किया था हु डिस्कवर्ड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य जिसे कहा जाता है उस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था पुरकिंजे जी के द्वारा किसके द्वारा पुरकिंजे हु प्रपोज द सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया था किसने बोला कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं एनिमल सेल अलग होते हैं प्लांट सेल जो होते हैं वो आपको हेक्सागनल नजर आते हैं जबकि एनिमल सेल जो है वो आपको रेक्टेंगल नजर आते हैं स्लाइडर एंड शुन जीवाणुओं में परिवर्तन की खोज ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया अपनी स्टेजेस से निकलते हैं किन किन मेजर स्टेजेस को वो क्रॉस कर सकते हैं तो टॉट और डी करके याद रखिए इन्होंने बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी ट्रांजिशन की बात की थी कि बैक्टीरिया के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं बैक्टीरिया आप याद रखिए ये धरती की ऐसी चीज है पहली जो कि धरती के उत्पन्न के साथ ही बनी आप एक लाइन याद रखिए इस धरती का जब जन्म हुआ तो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जो आया था वो बैक्टीरिया था जब कभी ये पृथ्वी नष्ट होगी ये पृथ्वी खत्म होगी तो आखिरी जो ऑर्गेनिज्म होगा इंसान रहे ना रहे और जानवर रहे ना रहे बैक्टीरिया हमेशा रहेगा ठीक है बैक्टीरिया हमेशा रहेगा चौट और डी हरले करके याद रखिए आयुर्वेद का देवता किसे कहा जाता है द गॉड ऑफ मेडिसिन हम किसे कहते हैं भारत से जो धनवंतरी हैं उनको कहा जाता है किसको धनवंतरी जी को कहा जाता है जेनरा प्लैंटरम नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई थी देखिए अभी तो मैं बस आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आगे अभी जो है ना वो लॉजी वाले क्वेश्चन भी आएंगे तब आपको करने में मजा आएगा चीजें आपको अच्छी लगेंगी बट अभी के लिए आप पहले थोड़े से क्वेश्चन है उनके आंसर दे लीजिए बताइए जनरा प्लैंटरम नाम की किताब किसने लिखी थी का? अच्छा दो जगह एक ही का नाम है. अच्छा, अलग है. क्या बात है, इस question, ये है. ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं. अब देखो, इसमें Baptist, और रॉबर्ट हुक तो हो नहीं सकते रॉबर्ट हुक ने सेल थ्योरी दी थी लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज यूज ऑर्गन कहा था अगर किसी यूज किसी ऑर्गन का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ऑर्गन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन तो है नहीं अब देखो ए ऑप्शन है कैरोलस लीनियस लेकिन साल है 1753 कैरोलस लीनियस साल है 1735 क्या रहेगा आंसर आंसर कैरोलस लीनियस है वो मुझे भी पता है आप बताइए ए या डी 1735 आएगा या 1753 आएगा 1735 या 1753 पन? याद रखिए जो कार्लस लिनियस की बुक्स हैं या जो उनकी छपने की जो पूरी तारीख है वो 1735 से शुरू होती है 1735 से जनरा प्लांटरम जो किताब थी वो 1735 में छपी थी 1735 में द बुक ऑरिजन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटर्न बाय ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पीशीज पूरा नाम है ये किताब किसके द्वारा दी गई थी ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 में लिखी थी ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पीशीज ये किताब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 के अंदर लिखी थी किसने साबित किया कि डीएनए अनुवांशिक सामग्री है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में बदल देती है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है बताइए जेनेटिक मटीरियल विच ट्रांसफॉर्म्ड दैट वन जनरेशन टू दीदर किसने ये कहा था कि डीएनए है आपका अनुवांशिक पदार्थ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है अच्छा क्वेश्चन करते समय ये अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में बढ़िया से ये रखना कि जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं ठीक है एक परसेंट भी आंसर गलत देने का मन करे या नहीं आता हो तो ये याद रख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन रेलवे के क्वेश्चन है जो रेलवे ने ऑलरेडी आपसे पूछ लिए और आगे भी पूछेगा आ, किसने साबित किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है तो फ्रेडरिक मिशर नहीं फ्रेडरिक ग्रिफिथ याद रखे दोनों के नाम फ्रेडरिक ही हैं ये फ्रेडरिक मिशर है ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ है आ, सारे question, सारे दो। आपको करना है। लेकिन है आपको नहीं है सारे रेलवे के क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने मेरी तरफ से लाया हो कि हाँ चल ये क्वेश्चन अच्छा ये मैं ऐड कर लेती हूँ मुझे तो मेहनत करनी नहीं पड़ी ये सारे रेलवे के क्वेश्चन है इसीलिए जरा आंसर देते समय थोड़ा

ये वो पर्सन है जिसने वायरस की खोज से पहले जिसने बीमारियों की जानकारी से पहले ही वैक्सीन बना दिए थे तब तक वायरस बना भी नहीं था वायरस के बारे में पता भी नहीं था और कॉलरा और एंथ्रेक्स जो चिकन पॉक्स में होती है मुर्गियों में जो हैजा होता है मुर्गियों में जो एंथ्रेक्स होता है उसके बारे में लुईस पाश्चर ने वैक्सीनेशन बना दी थी लुईस पाश्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जाने जाते हैं इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान के बारे में बताया था और पास्चराइजेशन की जो टेक्निक है दूध में जो पास्चराइजेशन किया जाता है दूध से जितने भी बैक्टीरियाओं को मारा जाता है जीवाणुओं को मारा जाता है वो सब लुइस पास्चराइजेशन की टेक्निक से होता है आजकल आपके मार्केट में जो थैली वाला दूध मिलता है वो पास्चराइजेशन पे है तो कॉलरा और एंथ्रेक्स किसमें चिकन पॉक्स में पहली बार गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था ये क्रोमोजोम शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया था भाई देखो गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र को हम कहते हैं क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम जो अभी आपने पीछे पढ़ा डीएनए कि डीएनए जो होता है वही मिलके क्रोमोजोम बनाता है और डीएनए ही होता है जो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन या दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है अब ये डीएनए खोजा होगा जैसे सारी चीजें खोजी जा रही हैं बायोलॉजी में तो खोजे ही हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग याद रखिए वॉल्डेयर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले जो वर्ड क्रोमोजोम है उसकी डिस्कवरी हुई थी वॉल्डेयर शब्द याद रखिए जीन जीनोटाइप फिनोटाइप ये शब्द को सृजित किसने किया था या किसने ये शब्द बनाए थे जीन होता है जीनोटाइप होता है और फिनोटाइप होता है जीन क्या होते हैं डीएनए के ऊपर छोटे छोटे ऐसे मोती नुमा आकार के ये संरचनाएं होती हैं एक को हम जीन कहते हैं जीन हमारे शरीर के लक्षणों को कंट्रोल करते हैं हमारे किसी एक एक लक्षण को जीन कंट्रोल कर रहा होगा ये डीएनए तो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तो वही हमारे जो लक्षण है वो ट्रांसफर होते हैं जीनोटाइप जीन की फॉर्मेशन फिनोटाइप हम जैसे दिखाई देते हैं आप याद रखें जोहसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था टीआरएनए की खोज किसने की थी हमारे शरीर में तीन तरीके के आरएनए पाए जाते हैं आरएनए तीन तरीके के पाए जाते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जिसमें से टीआरएनए जो है वो ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है और हॉगलैंड के द्वारा इसको खोजा गया था हृदय प्रत्यारोपण का जनक किसे कहा जाता है फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भारत में फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत बाद में आई थी लेकिन उससे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी थी दुनिया में और एक फोर्टीन ईयर्स के बॉय के द्वारा ठीक है एक चौदह साल के बच्चे के अंदर आ, 14 साल के बच्चे का हृदय एक फोर्टी एट फोर्टी नाइन की ओल्ड महिला के अंदर डाला गया था हम क्रिश्चन बनार्ड नाम याद रखेंगे क्रिश्चन बनार्ड ने पहली बार क्रिश्चन बनार्ड ने पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था अच्छा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में हृदय प्रत्यारोपण का जनक किसे कहते हैं तो आप के के वेन्यू गोपालन याद रखेगा के के वेन्यू गोपालन और के के वेन्यू गोपालन अटॉर्नी जनरल नहीं कई लोग जीके से रिलेट करने लग जाएंगे केके वेन्यू गोपालन अटॉर्नी जनरल वाले नहीं ये आपके जो है वो सर्जन है हार्ट सर्जन है ये बताइए जरा यहाँ पे कि 2008 में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशंसी वायरस यानी कि एच वायरस के लिए सी वायरस एच आई वी वायरस के लिए किसको पुरस्कार दिया गया था तो पहली बार इसको खोजने के लिए बैरे सिनोसी और मॉन्टेगिनियर को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था ठीक है 1951 में दक्षिण अफ्रीका से अधिकतम आयोजक को निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साउथ अफ्रीका से 1951 में पहली बार एक बीमारी की खोज के लिए उनको प्राइस दिया जा रहा है कौन सी थी येल्लो फीवर वायरस की बीमारी है क्रिश्चियन क्रिश्चियन एजिकमैन ने विटामिन बी का आविष्कार किया किस uh, विटामिन बी का आविष्कार किया लेकिन कौन से साल में 1897 अब तीन के आप बारे में आपको पता लग गया के के बारे में ई e के बारे में और विटामिन बी के बारे में तो बी कौन से साल में डिस्कवर हुआ 1897 में किसने किया क्रिश्चियन एजिकमैन ने डिस्कवर किया ठीक है हार्मोन किसके द्वारा इन्वेंट किए गए थे हार्मोन विलियम बैलेस विलियम बैलेस हॉर्मोन्स क्या होते हैं जो हमारे शरीर में हमारी ग्रंथियों से निकलते हैं एंडोक्राइन से निकलते हैं जो कि ग्लैंड्स बनाते हैं क्या बनाते हैं ग्लैंड्स। पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई थी तो 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रखिए पेनिसिलिन की खोज एंटीजन का आविष्कार किसने किया था अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम है इस नाम के बिना कैसे आगे जा सकते हैं विलियम हार्वे कौन है ये जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था जो रक्त होता है उसमें परिसंचरण तंत्र चलता है या खून की जो हमारी सर्कुलेशन है वो विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था अलेक्सेंडर फ्लेमिंग 1928 एंटीजन का आविष्कार किसने किया था बताइए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे चलिए एंटीजन एंटीजन का आविष्कार एंटीजन क्या होता है प्रतिजन 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 कहाँ पाया जाता है हमारे खून में पाया जाता है खून में कहा पाया जाता है खून में कहा जाता है खून में पाया जाता है हमारे आरबीसी के ऊपर हमारे आरबीसी मतलब लाल रुधिर कड़ी लाल रुधिर कड़ी ठीक है और ये देखिए लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब क्या हो गया कि एंटीजन या प्रतिजन जो है यही हमारे खून का जो ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं यानी कि अगर मेरा ब्लड ए है तो मेरा जो एंटीजन रहा होगा वो ए होगा मेरा बी है ब्लड तो मेरा एंटीजन बी रहा होगा तो ये बात कौन डिस्कवर करेगा ये बात कौन डिस्कवर करेगा हैरिसन एंड सिमसन क्या बात है मुकेश कुमार बिल्कुल लैंडस्टीनर स्टीनर याद रखो भाई ब्लड की बात आती है तो कोई दूसरा ऑप्शन सोचने से पहले लेंड स्टीनर के बारे में सोच लिया करो एंटीजन जो है वो प्रतिजन होते हैं जो खून पे होते हैं और खून का जो ग्रुप है उसको डिस्कवर करने का काम करते हैं डिप्थी डायरिया डायरिया के उपचार का अविष्कार किसके द्वारा किया गया था डायरिया के डायरिया का उपचार का आविष्कार किसने किया किता जतो, किता जतो। प्लेग प्लेग के उपचार का आविष्कार किसने किया था प्लेग प्लेग किसने खोजा था भाई प्लेग का आविष्कार यहाँ पे एक ही नाम है जो दोनों के लिए आपको याद रखना है किताजतो दोनों में आना है डायरिया के लिए भी और प्लेग के लिए भी ट्रीटमेंट जो है वो किताजतों के द्वारा खोजा गया था टीवी वैक्सीन जिसको बोलते हैं बीसीजी याद है ग्रुप डी का बच्चे एग्जाम देते हैं बी सी जी आपसे ये पूछा जाता है कि जो टीवी की वैक्सीन है उसका नाम है बी सी जी इसमें बी की फुल फॉर्म क्या है आप लिखोगे बेसिलस ठीक है सी की फुल फॉर्म क्या है कैलमेट कैलमेट ठीक है जी की फुल फॉर्म क्या है ग्यूरिन ठीक है तो बीसीजी जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था क्वेश्चन मतलाओ वो क्वेश्चन मत लाओ क्यों नहीं तुमको रेलवे ने स्पेशल लेटर भेजा है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में जो आपके स्क्रीन पे है वो सारे रेलवे के एग्जाम है आपको पीड़ा तकलीफ संकोच हो रहा है इनके आंसर देने में तो फिर मतलब ऐसा है ना फिर तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना जो खुश लगे दिल को अच्छा लगे बस वही क्वेश्चन करना बाकी करना ही मत बात इतनी सी है न्यूरो साइंस के जनक किसको जाना जाता है न्यूरो साइंस का जनक किसको जाना जाता है फादर ऑफ न्यूरो साइंस देखो इसमें से याद रखो सलीम अली कौन है सलीम अली है ऑर्निथोलॉजी जिन्होंने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था वोल्टा कौन है जिन्होंने वोल्टेज की डिस्कवरी की थी जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब या तो नन नो होगा या सेंटीएगो होगा तो आप याद रखो यहाँ पे सैंटीएम सैंटीगो का सेंट काजलगो सैंटी रो रैमो काजल ए करके आप लर्न करिए ठीक है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एंटीसेप्टिक गुड़ जो होते हैं एंटीसेप्टिक क्या होता है जैसे मान लीजिए कई चोट लग गई आपको पैर खुरच गया हाथ खुरच गया तो फटाफट आपके ऊपर आपके हाथों पे ना एक लाल दवाई होती है वो लगाई जाती है ना होता है वो लाल दवाई या फिर आयोडीन का टिंचर लगाया जाता है वो एंटीसेप्टिक होता है ना ये किसने डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक हमेशा दवाइयों के ऊपर लगाया जाता है ये किसने डिस्कवर किया था लिस्टर करके याद रखिए क्या याद रखिए लिस्टर ठीक है वॉटसन और क्रिक के साथ डीएनए की संरचना को खत्म करने की दिशा में योगदान के लिए नोबल से सम्मानित किया गया था मतलब डीएनए की संरचना को खत्म तो क्या ही होगा कंट्रीब्यूशन मतलब डीएनए की संरचना करने की दिशा में योगदान के लिए नोबल प्राइज किसे दिया था खत्म कैसे कर देगा भाई अगला बना रहा है ये कह रहे खत्म कर देगा संरचना की दिशा में योगदान एक तो ये सारे पेपर निकाले हैं ना इसीलिए दिक्कत हो रही है चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए ये वॉटसन और क्रिक के साथ तीसरा आदमी कौन था जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था मिलना चाहिए था रोजल फ्रैंकलिन को मैंने आपको स्टोरी बताई है रोजल फ्रैंकलिन ने एक फो, आ, फोटो फिफ्टी फोर के अंदर पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर इन लोगों से पहले बना लिया था लेकिन अगर कोई समाज में महिला आगे बढ़ रही हो तो ये पूरे शो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जैसे ही उन्हें लगता है ये महिला तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है तो इसको वैसे नॉलेज से तो आप डिफीट नहीं कर पाओगे तो आप उसके अलग तरीके देखते हो तो जितना भी काम था वो रोजालिन फ्रैंकलिन ने किया था लेकिन जब नोबेल प्राइज मिलने की बारी आई थी तो वॉटसन एंड क्रिक ने विल्किंस को भेजा था कि जाके ना सारा काम चुरा के लेके आ जा भाई हम नोबेल प्राइज जीतेंगे ऐसा पहले वॉटसन एंड क्रिक के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत थी लेकिन जैसी मुझे फोटो 54 के बारे में पता लगा मुझे रोजालिन फ्रैंकलिन के बारे में पता लगा कि डीएनए जो है ना डीएनए रोजालिन फ्रैंकलिन के द्वारा पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था उनके द्वारा खोजा गया था लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने बिल्किन को भेजा पूरा स्ट्रक्चर चोरी किया सारे फोटोग्राफ्स निकाल के लेके आए और अपने काम को आगे प्रेजेंट कर दिया और नोबेल प्राइज ले गए तब से ना इन इन तीन आदमियों के लिए ना इज्जत नहीं है मेरे मन में चलिए मॉरिस करके याद रखिए तीन लोग हैं आपको मॉरिस विलिक्स स्ट्रक्चर ये वॉटसन और क्रिक तीन नाम आपको याद रखने हैं ठीक है चलिए अब बताइए अब आपके टाइप की चीजें शुरू हो रही हैं अब अगले आ, कुछ क्वेश्चन को अगले बीस मिनट के अंदर खत्म करना है ठीक है और फटाफट खत्म करना है चलिए बताइए द स्टडी ऑफ हिमाटोलॉजी स्टडी ऑफ हिमेटोलॉजी रुधिर विज्ञान का अध्ययन किसके लिए कहा जाता है हीमेटोलॉजी किसके लिए बोलते हैं ब्लड के लिए बोलते हैं है। और यहाँ पे जब हीम शब्द आ जाए हीम शब्द जो है वो हीमोग्लोबिन पे चिपके हुए आयरन के लिए होता है तो हिमैटोलॉजी क्या हो गया ब्लड के लिए हो गया ठीक है ब्लड के लिए मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है आकृति विज्ञान किसे कहते हैं जब मैं आपसे बोलूं कि चलो आज मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या ही पढ़ रहे होंगे मोर के बारे में पढ़ रहे होंगे चलो आज मॉर्फोलॉजी है मोर के बारे में पढ़ते हैं नहीं याद रखिए जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप शेप स्ट्रक्चर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी कि जो जीवित वस्तु हैं जीव जो हैं उनकी आकार संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन आप करने लग रहे हो द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डिविजन एंड वेरिएशन इसको किस नाम से जाना जाता है निषेचन विकास विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है जल्दी जल्दी करिए आंसर है ना जल्दी जल्दी से करिए ताकि मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा पाऊँ एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है अरिस्टोटल को कहा जाता है भ्रूण विकास जिसे कहते हैं प्राणी शास्त्र जो है वो एनिमल जंतु विज्ञान हो गया जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा मानव जाति के समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस से रिलेटेड है अगर मैं ह्यूमंस के बारे में पढ़ रही हूँ ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ रही हूँ तो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे होंगे हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे होंगे पौधों में रोगों का अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का विरोध या सामना करते हैं यानी कि बीमारी का सामना करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है किस नाम से फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है मृदा विज्ञान की किस शाखा के तहत जीवित चीजों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है मिट्टी से लिविंग चीजों पे क्या फर्क पड़ता है जो है उनके पे फर्क पड़ता है या जो हमारे पास पेड़ है उन पे क्या फर्क पड़ता है तो अगर हमें इस चीज को पढ़ना होगा हम क्या पढ़ेंगे इडेफोलॉजी क्या पढ़ेंगे इडेफोलॉजी मिट्टी के बारे में पढ़ना मिट्टी का जो बायोटिक चीजें हैं, लिविंग चीजों पे जो असर है, उसको पढ़ना क्या कहलाता है कहलाता है। क्या कहलाता है इडेफोलॉजी निम्नलिखित में से कौन सी शरीर प्रक्रिया विज्ञान और चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों की विशिष्ट बीमारियों और स्थितियों से संबंधित है भाई अगर आदमी जाए अपनी समस्या लेके आपने सुना ऐसे कोने कोने में टेंट लगा के बैठे रहते हैं ना कुछ लोग क्या बोलते हैं अः कोई भी समस्या है तो बिना झिझक के मेरे पास आए आपको दी जाएंगी जड़ी बूटियों की दवाई जिससे आपका प्रदर्शन अच्छा होगा और ऐसे ऐसे कुछ करके आपने देखे है ना बढ़िया माइक स्पीकर लगा के वो चिल्ला रहे हैं है ना अपनी ज्ञान वर्ता ज्ञान वर्धन करें मतलब ज्ञान वर्धन वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो किसी और लॉजिक के साथ बैठे हुए हैं क्या बोलते हैं उनको बाबा करके बोलते हैं ना काफी ज्यादा जब पुरुषों के बारे में आप अगर डॉक्टर पे जाते हैं मैं यहाँ पे डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ कोई डॉक्टर के बारे में पढ़ रहा होगा तो मतलब कोई डॉक्टर जो मेल डॉक्टर होगा यानी कि पुरुषों की समस्या आ, गुप्त रोग विशेषज्ञ गुप्त रोग विशेषज्ञ जड़ी बूटी देंगे अभी आपका सारा चीजें जो है ना वो बढ़िया फिट हो जाएंगी एकदम है ना एंड्रोलॉजी क्या कहते हैं उसको एंड्रोलॉजी तो जो डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ फिजियोलॉजी की बात कर रही करी दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोलॉजी निम्नलिखित में से कौन सा विषय चिकित्सा विज्ञान यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है यानी कि आप उस डॉक्टर के पास जा रहे हो जहां पे आप ये कह रहे हो कि अच्छा मेरा ना लिवर में दिक्कत हो गया है अच्छा इधर होता है है ठीक आपके राइट साइड में लिवर होता है और आप ये बोल रहे हो देखो लिवर में वर्गीकरण से संबंध जीव विज्ञान की शाखा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पे आप बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में पढ़ते हो तो उसको वर्गीकरण या टेक्सोनोमी बोला जाता है वर्गीकरण या टेक्सोनोमी जोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं तो जब आप पशुओं के और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो जोलॉजी बोला जाता है विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पृथ्वी के पार जीवन या जीवन की संभावनाओं से संबंधित है मतलब आप बायोलॉजी की वो ब्रांच पढ़ रहे हो जहां पे आप जीवन कहीं और पे हो सकता है यानी कि मंगल पे जीवन हो सकता है ऐसा जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ रहे हो पृथ्वी के बाहर का एक्सो बायोलॉजी पढ़ रहे हो बायोलॉजी एक्स को छोड़ो बायोलॉजी शुरू करो है ना कहीं और जाके बायोलॉजी शुरू करो मतलब ये नहीं तो कोई और सही तू नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही वाला कॉन्सेप्ट भाई अकेला क्या पृथ्वी है क्या मंगल पे भी तो जीवन हो सकता है ना अच्छा क्या चांद पे जीवन हो सकता है चांद पे हम रह सकते हैं नहीं चांद पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है का मतलब है कि चांद का जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री होता है दिन के अंदर अगर हम रहे तो ऐसे झुलस जाएंगे और रात का टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है यानी कि माइनस वन डिग्री से सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है एक्जोपायलॉजी करके याद रखें संभावनाएं जीवन को देखने की जीवन में पृथ्वी के कहते हैं ना मंगल पे जीवन आदमी ढूंढ रहा है लेकिन जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहा मंगल पे आदमी जीवन ढूंढ रहे हैं लेकिन जीवन में मंगल को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा एक्सोवाजी करके याद रखिए डैश इज दिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीशीज सच एज फॉरेस्ट एनिमल तो जब जानवरों को कुछ पढ़ना देखिए जब इंसानों पे कोई भी चीज टेस्ट करनी होती है इंसानों को पढ़ना होता है तो चूहा और बंदर को पकड़ा जाता है फॉरेस्ट एनिमल्स को आप पकड़ रहे हो फॉरेस्ट एनिमल्स को आप पढ़ रहे हो जिसमें स्पेशली मंकी और एब्स की बात हो जाती है तो मंकी और एब्स जो है वो क्या कहे जाते हैं प्राइमेट्स कहे जाते हैं मंकी और एब्स क्या कहे जाते हैं प्राइमेट्स कहे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है बताइए मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है अगर मैं स्पाइडर के बारे में पढ़ रही हूं तो क्या है एग्जैक्टली exactly, बहुत बड़ी जमीन है उसका भी उससे भी बड़ा आसमान है तू हंसी होगी तो कोई बात नहीं तो इससे ज्यादा हंसी और भी होंगे इस जमाने में है ना ऐसे कुछ आपकी एक लाइन है ना वही वाली लाइन पे टिके रहो पढ़ाई करते रहो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल इन चीजों की टेंशन को पढ़ाई में नहीं जोड़ना मकड़ियां अगर आप पढ़ रहे होंगे यानी कि स्पाइडर्स अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप क्या पढ़ रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो पुरातत्व तो नहीं आएगा आर्कनोलॉजी है ये पुरातत्व नहीं एरेक्नोलॉजी 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 पुरातत्व कर दिया इसने गूगल का भी भाई एरेक्नोलॉजी करके याद रखे हिंदी पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिए इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा दीजिए यहाँ पे नहीं होगा इसको एरेक्नोलॉजी बोला जाएगा किसको एरेक्नोलॉजी एरेक्नोलॉजी करके यहाँ पे याद रखे सोरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है वट इज एक्चुअली द सोरोलॉजी शिव जी तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया नोमेरिकल ला होगी तुम्हारे लिए केमिकल रिएक्शन लज्जा से तुमको बोला है कि जिस तरीके से चीजें चलेंगी भाई साहब चीजें उसी तरीके से चलेंगी समझ नहीं आ रहा शायद आपको तो खेद है इस बात का चलिए ये बताइए यहाँ पे सोरोलॉजी किसके लिए बोलते हैं सोरोलॉजी आप किसके अध्ययन के लिए बोलते हो सोरोलॉजी हम लिजोर्ट के लिए बोलते हैं छिपकली के अध्ययन को डैश इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉज फ्रॉम रिसर्च डिपिक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर एक किताब है जो लिखी गई है और जो किसके बारे में बता रहे एंथ्रोलॉजी के बारे में बता रहे तो नव न्रव, नश विज्ञान के नाम से जाना जाता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है ये बताइए प्राचीन काल के जानवरों पौधों और अन्य जानवरों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताइए क्या रहेगा अगर हम प्राचीन काल यानी कि बहुत पुराने एनिमल्स रखे हुए जानवरों को और इन सबको पढ़ रहे तो हम इसको किसको उसको क्या बोलेंगे अगर हम देखो हम प्रिजर्व रिमेन्स पढ़ रहे प्रिजर्व रिमेन्स का मतलब क्या है कि हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं प्रिजर्व शब्द लिखा हुआ है प्रिजर्व शब्द फॉसिल के लिए होता है फॉसिल और फॉसिल अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या लिखोगे पेलियोटोलॉजी लिखोगे क्या लिखोगे पैलियन्टोलॉजी लिखोगे यहाँ पे पैलियन्टोलॉजी लर्न करिए पेलियोटोलॉजी किस चीज का स्टडी कहा जाता है क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो आपको लिखना है पेलियोटोलॉजी फॉसिल के अध्ययन को कहा जाता है वट इज स्टडीड इन बॉटनी बॉटनी के अंदर आप क्या पढ़ते हो सिर्फ और सिर्फ पौधों के बारे में उनके और एनोटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ने लग रहे हो ठीक है ऑनकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है तो ऑनकोलॉजी में हम कैंसर से होने वाले न्यूमेरिकल लेके आइए तो ऐसे बोलते हैं कि बायो तो इनको रटी हुई है और फॉर्मुले तो इनको फिजिक्स के सारे रटे हुए हैं एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का है ना एक तरीका होता है पढ़ने का इस क्लास में आपको मैं अभी जब हजार बार मैं बता चुकी हूँ कि हम क्लास में टॉपिक वाइज एमसी करेंगे हम पहले बायो फिनिश करेंगे फिर हम फिजिक्स पे आएंगे और फिर हम केमिस्ट्री करेंगे तो कोई की पंचायती करनी है पहले जो आपके जो रहे हैं, जो टॉपिक्स चल उनको पढ़ो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना उनको पढ़ो बिना चीजों को पढ़े हुए या बिना चीजों को समझे हुए अगर बीच में आगे नुमेरिकल कराओ ये कराओ ये वो बच्चे जो आज तक मेरी क्लास में नहीं है पहली बार आ रहे हैं टपक रहे हैं नुमेरिकल करो अभी एक नुमेरिकल पूछ लो इनसे ये भी नहीं जाना जाएगा कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है उसके बाद नुमेरिकल करो भाई साहब रुक जाओ आप थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा चीजों को समझो कैसे पढ़ना है वो समझो अपने हिसाब से मत पढ़ो ये अपने हिसाब से पढ़ पढ़ के ही आज इस स्थिति आ गए हो कि ना वहां कुछ समझ आ रहा है ना यहाँ कुछ समझ आ रहा है ना ऊपर समझ आ रहा है कुछ ना नीचे समझ आ रहा है तो आप जरा ना मेरे हिसाब से चीजें पढ़िए जैसे इस चैनल के ऊपर चल रहा है सब कुछ आएगा माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरिया के अध्ययन को मशरूम वायरस या पैरासाइट देखिए वायरस के अध्ययन को हम कहते हैं वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को क्या बोला जाता है वायरोलॉजी ठीक है जब मैंने मशरूम बोला मशरूम क्या होता है मशरूम जो है वो फंगस होती है ठीक है आजकल हम इसको काफी ज्यादा यूज करने लग गए हैं लेकिन मशरूम फंगस होती है और फंगस जो है वो क्या है माइकोलॉजी है फंगस के अध्ययन को क्या बोला जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है म, फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है माइकोलॉजी मशरूम फंगस है तो सीधा फंगस नहीं लिखे उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो ये भी याद रखिएगा कैसे पढ़ना है ठीक है बी जो है वो ऑप्शन होगा मशरूम के अध्ययन को या फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं अब ये क्वेश्चन सीधा यहाँ पे भी सीधा आ गया माइकोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ तब यहाँ पे सीधा फंगस लिख दो तो क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है वो कैसे भी हो सकता है आपको माइकोलॉजी पूछा तो ऑप्शन के माध्यम से और वट इज माइकोलॉजी पूछा तो कवक भी लिखा हुआ है समझ पा रहे हैं? ये पूरा हेल्प करेगा अब बताइए ऑनियोलॉजी किससे रिलेटेड है ऑनरोलॉजी का स्टडी है आप किसी के पास गए और बताया मतलब काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो इन सब चीजों को पढ़ते हैं आप गए और बताया कि देखो मुझे सपने में आजकल ऐसी ऐसी चीजें थी दिखाई दे रही हैं जैसे मैं एक बहुत ही ऊंचे से टावर पे हिल पे खड़ी हूँ कोई आ रहा है मुझे धक्का दे रहा है और मैं नीचे गिर जा रही हूँ या फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं सपने में है ना आप बहुत सारे सांप नजर आ रहे हैं ये सब क्या होता है ड्रीम्स के लिए बोला जाता है सपनों के लिए तो ऑनरोलॉजी क्या है जो आपको चीजें सपने में दिखाई दे रही है ड्रीम्स में रेशम उत्पादन से संबंधित रेशम उत्पादन सेरीकल्चर जो है वो क्या है अब यहाँ पे देखिएगा रेशम उत्पादन वर्ड गलत हो गया है यहाँ पे आपके पास सैरीकल्चर आएगा जब एग्जाम में आएगा ना तो रेशम लिखेंगे तो, तो समझ ही आ जाएगा ना इसीलिए सैरीकल्चर होगा हिंदी में गलत है सिल्क वार्म कल्टिवेशन याद रखिए। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है रेशम कीट की खेती से टॉक्सिकोलॉजी किससे रिलेटेड है टॉक्सिकोलॉजी 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 किससे संबंधित है तो याद रखिए पॉइजन से जहर से संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी का मूल रूप या टेक्सोनोमी क्या है बायोडाइवर्सिटी टेक्स स्ट्रक्चर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बशर्ते आप याद रखिए कि वहाँ पे आपको कोई टैक्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं आपको खगोल विज्ञान नहीं पूछ रहे मानव व्यवहार के बारे में नहीं पूछा जा रहा है टेक्सोनोमी आपकी बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता यानी कि पौधों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो टेक्सोनोमी क्या है द स्टडी ऑफ प्लांट्स या उनके जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ना वट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज नोस विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए अगर आप उत्तक पढ़ रहे हो टिश्यूज पढ़ रहे हो तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी सेल बायोलॉजी सेल पढ़ रहे हो आप है ना <arrogance> साइटोलॉजी में आप सेल पढ़ रहे हो सेल फिजियोलॉजी में आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो हिस्टोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ रहे हो उतक के बारे में पढ़ रहे हो ठीक है ये सारा आपको याद रखना है यहाँ पे द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद यर एनवायरमेंट ये बताइए जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेल जो है वो स्टडी कही जा अगर सेल की स्टडी करते हो आप तो आपका साइटोलॉजी होता है लेकिन द मूमेंट मैंने यहाँ पे टिश्यूज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया टिश्यू मैंने बोल दिया तो वो रहेगा आपका हिस्टोलॉजी टिश्यू हिस्टोलॉजी है ये बताइए अगर हम जानवरों को उनके एनवायरमेंट के साथ पढ़ रहे हैं भाई आप बताओ एनवायरमेंट के साथ आप पढ़ रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे नैतिकता का पार्ट पढ़ा रहे हो क्या इथोलॉजी बोलोगे क्या नहीं ना हम बोलेंगे भाई इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र तो जब आप पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हो इको पढ़ते हो तो आप एनिमल्स को या फिर नॉन लिविंग चीज को लिविंग के साथ यानी कि पेड़ों को आप जानवरों के साथ कोरिलेट करते हो ठीक है स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है हड्डियों का अध्ययन स्टडी ऑफ बोन्स अगर आपने हड्डियां पढ़ी तो क्या होगा ऑस्ट्रोलॉजी ओडोनटोलॉजी या ऑटोलॉजी बताइए अगर आप हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हो तो एक्चुअली मैं आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो ध्यान से क्या पढ़ रहे हो अगर आप हड्डियां पढ़ रहे हो देखो ऑनरोलॉजी आपने स्टडी ऑफ ड्रीम्स पढ़ लिया और फैक्ट्री होता है जब आप सांस ले रहे हो और आपको सांस नहीं आ रही ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड के लिए हो गया ऑप्थमोलॉजी आंखों की बीमारी के लिए होता है ओलॉजी एग के लिए होता है ठीक है ऑटोलॉजी क्या होता है ऑटोलॉजी होता है जब आपका कान का सुनने की बात हो रही है ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों हो के बारे में तो जब मैंने आपसे बोला कि भाई हड्डियां दिखा लो अपनी तो हड्डियों की स्टडी को क्या कहाता है क्या कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी अच्छा ओडोंटोलॉजी क्या होता है फिर अगर मैंने आपसे पूछा कि ये तो भाई हड्डियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी है मुझे तो लगा था ओडोंटोलॉजी है तो ओडोंटोलॉजी क्यों नहीं होगा या ओडोंटोलॉजी फिर किसके अध्ययन को बोलते हैं बताइए ओडोंटोलॉजी किसके अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी क्या है आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना वो आपका आरपीएफ का एग्जाम ही नहीं है आरपीएफ के लिए क्यों पढ़ना है आरपीएफ का एग्जाम है क्या फेक न्यूज देख के यहाँ पे है आरपीएफ के लिए पढ़ना है वैसे आरपीएफ के लिए पढ़ सकते हो लेकिन जो नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो पेपर नहीं हो रहा ठीक है और जो है 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 वो क्या दांत दांत के लिए। दांत के लिए लिए ठीक एक तरफ आदमी बेचारा बच्चा परेशान है कि कौन सा जॉब देना है क्या करना है एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी में मजे ले रहे हैं कि फेक नोटिफिकेशन बैठ के बना रहे हैं अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसके बाद सर्कुलेट भी कर रहे हैं क्या बात है चलिए ओडोंटोलॉजी दांत के लिए होता है ओडोंटोलॉजी दांत के लिए होता है और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के लिए होती है ठीक है ओडोंटोलॉजी दांत के लिए होता है ओडोंटोलॉजी ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के लिए होता है ऑस्टियो ऑस्टियोसाइट uh, आप याद रख लो ऑस्टियोसाइट जो है वो हड्डियों के सेल को बोला जाता है तो जो हड्डियों के सेल होते हैं जिनसे हड्डियाँ बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट तो इसीलिए ऑस्टियोलॉजी चीटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है चीटी चीटी आप पढ़ रहे हो चीटी पढ़ रहे हो चीटी के अध्ययन को क्या कहते हैं मार्मिकोलॉजी क्या बोलते हैं मार्मिकोलॉजी अच्छा ये बता दो चलो पीछे कई बच्चों ने गलत दिया था आपको एक सुधारने का मौका दिया जा रहा है हिस्टोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को कहते हैं ये भाई एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कहा मतलब तुम तो मुर्गी के बच्चे जो है ना आप मतलब मुर्गी के बच्चों की तरह आप निकल के ऐसा चूजा ऐसे मुर्गी में अंडा टूटा चूजा निकला दुनिया में पहली बार आया है फिर कहेंगे मैम इतने इजी क्वेश्चन आए हैं क्या मैं क्या आपको ये बोल रही हूँ कि सारा चैप्टर सारा तीस क्वेश्चन यहीं से आएगा जब एक क्वेश्चन आता है ना ये लॉजी वाला तो बच्चा ना दीवारें देख रहा होता है या सोच रहा होता है भाई कब पढ़ाता मैं ध्यान से पढ़ लेता तो मेरा ये क्वेश्चन जो है ना वो ठीक हो जाता हैं? ये जो आदि जनता ऐसी है ना जो ये लिखती है ना कि मैम क्या इतने इजी क्वेश्चन आएंगे ये वही बच्चे हैं जिनके ही क्वेश्चन इजी वाले भी नहीं बन रहे मुश्किल वाले तो छोड़ दो भाई पढ़ लो इतना इजी का मतलब ये थोड़ी है कि आप सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे टिश्यूज टिश्यूज उत्तर करके याद रखो हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है तो टिश्यूज के अध्ययन को कहा जाता है ठीक है फसल की खेती फसल यानी कि स्टडी ऑफ क्रॉप और उसके कल्टीवेशन और फार्म मैनेजमेंट इसको क्या कहते हैं फसल की खेती खेत प्रबंधन के अध्ययन को क्या कहते हैं और अभी तो आप रुको अभी तो आप रुको अभी आगे मैं आपको ना वही क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो एग्जैक्टली exactly एग्जाम में आए हैं तब आप बताना तब आप बताना कि जो है ना वो हमने यहाँ पे कौन से क्वेश्चन किए हैं कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो इजी है क्या मुश्किल है ठीक है ये बताइए फसल की खेती और खेत प्रबंधन या खेत का जो मैनेजमेंट है उसको पढ़ने को हम क्या कहते हैं तो एग्रोनॉमी कहा जाता है एग्रोनॉमी बायो की एक ब्रांच है बॉटनी की एक ब्रांच है जहां पे पेड़ों का हाइट कितना होना चाहिए पेड़ पे कितने का फूल आना चाहिए जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं जो है वो आपका इतना हाइट का होना चाहिए ऐसा गेहूं अगर आम के पेड़ की तरह हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा अब आम का पेड़ अगर इतना सा रह गया तो वो फल कैसे देगा तो एग्रोनॉमी में खेत प्रबंधन के लिए बात की जाती है किसके लिए खेत प्रबंधन फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं फूलों के अध्ययन को फ्लावर की स्टडी को क्या कहा जाता है बताइए एज दी ऑफ फ्लावर स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होती है एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लावर एंथोलॉजी ऑर्नेथोलॉजी बर्ड के लिए एपाइडोलॉजी जो है वो हम एप्स के लिए बोलते हैं ठीक है चलिए ये बताइए आप दिल की बीमारी और असमानताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है वट इज द स्टडी ऑफ डिजीज एंड एंडलिटी ऑफ द हर्ट एज तो अगर हम हृदय के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम हृदय के बारे में कार्डियोलॉजी से पढ़ रहे होंगे जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट क्रेनियोलॉजी कौन होता है जो आपकी क्रेन इसको पढ़ रहा है जो आपकी खोपड़ी को पढ़ेगा उसको हम क्या कहते हैं ॉजी बोलते हैं हिपैटोलॉजी किसे कहा जाता है हिपैटोलॉजी बताइए हिपैटोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है हिपैटोलॉजी आवाज आ रही है ना सबको किस भाई थोड़ा सा मेहनत अपने हिसाब से भी कर लिया करो थोड़े अपने फोन के वॉल्यूम भी बढ़ा लिया करो कि मेरा ही गला फड़वाओगे तुम लोग हैं जोर से बोले आवाज नहीं आ रही जोर से बोलो जय माता दी ऐसे भाई खूब आवाज आ रही है सारे आंसर देने लग रहे हैं और यहाँ पे फोकस करो ना ॉजी किसके लिए बोला हमने लिवर के लिए बोला लिवर के लिए लिवर को क्या बोलते हैं हिपैटिक बोलते हैं लिवर के जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हिपैटोसाइट बोलते हैं हिपैटिक लिवर हिपैटोसाइट जो है वो लिवर के सेल के अध्ययन के लिए बोला जाता है ठीक है लिवर स्पर्मोलॉजी किसे कहा जाता है बताइए व्हाट इज स्पर्मोलॉजी भाई सुनाई नहीं दे रहा तो दिखाई तो दे रहा है ना क्वेश्चन सामने है उसका आंसर करो बात खत्म क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है उसका आंसर करो बात खत्म जरूर थोड़ी है मुझे सुनना वट इज दी ऑफ स्पर्मोलॉजी रिलेटेड टू स्पर्मोलॉजी किससे संबंध है स्पर्मोलॉजी इज रिलेटेड टू वट लीफ स्पर्म फ्रूट और सीड ये क्वेश्चन गलती करके है ना सिद्धरोे नहीं स्पर्मोलॉजी क्या होता है स्पर्म आ रहा है वर्ड तो तो स्पर्मोलॉजी तभी पूछते हैं आपसे है ना आप यही बोल के निकलना बड़े बड़ा ही इजी पेपर था बाद में पता लगेगा कि सारे के सारे गलत हो गए सीड के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी बोला जाता है सीड के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं व्हाट इज द स्टडी ऑफ सीड नोन एज याद रखिए स्पर्मोलॉजी स्पर्मोलॉजी सीड के अध्ययन के लिए बोलते हैं अच्छा अब जो क्वेश्चन है अब जो आगे क्वेश्चन है उनके यहाँ पे जरा देखना आपको एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है ठीक है आप यहाँ पे देखना आपके एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है आर आर 28 एन 2020 अट्ठाईस बारह दो हजार बीस शिफ्ट वन स्टेज वन तो अब जो आपके क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे लिखा है कि ये पेपर में कब आया था आप इस पेपर को उठा के देख लेना आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा ठीक है अब आप इनके आंसर कर दो अब मैं समझती हूँ कि आप पूरी जिम्मेदारी और पूरी सीरियसनेस के साथ देंगे सैरीकल्चर किससे संबंधित है सैरीकल्चर अगर रेशम की खेती करते हैं तो सैरीकल्चर कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है आरआरबी एनटीपीसी 2021 बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या कहलाती है इथोलॉजी कहलाती है क्या कहलाती है इथोलॉजी पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन की बात सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है सब्जियां फलों वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड जो फ्लावर्स हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं वेजिटेबल द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर क्या कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बागवानी कहते हैं हॉर्टिकल्चर कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका विज्ञान विटीकल्चर क्या होता है विटीकल्चर विटीकल्चर किसके लिए बोलते हैं अब तो आंसर दो जिम्मेदारी से दो ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से दो विटीकल्चर किसे कहते हैं अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर वाइटिस कहते हैं ना अंगूर को हम वाइटिस कहते हैं बॉटनिकली अंगूर को वाइटिस कहा जाता है ठीक है वह विज्ञान जो विभिन्न जीवों के जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध सम्मंद से संबंधित है द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद दियर एनवायरमेंट क्या कहा जाएगा इकोलॉजी अभी आंसर दिया है पारिस्थितिकी आर जेई चौ, चौबीस पांच दो हजार उन्नीस शिफ्ट तीन उसके अलावा आर आरबी जेई सीबीटी टू इकतीस आठ दो हजार उन्नीस सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था इकोलॉजी करके याद रखिए द स्टडी ऑफ हिमाटोलॉजी रिलेटेड विद आंसर आप दे चुके हो ब्लड आर आरबी जेई चौदह बारह दो हजार चौदह का पेपर है चौदह में आया था ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है आर आर बी एस 2014 स्टडी ऑफ शेप स्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक स्ट्रक्चर विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन मनुष्यों से संबंधित किस चीज का मनुष्यों का अगर आप संबंध कर रहे हो मनुष्यों का अगर आप मनुष्यों के बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो आपका जो आर आर 10 एन uh, अप्रैल uh, uh, 2016 में पूछ रही है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मानव से संबंधित है तो अगर आप मनुष्यों के बारे में पढ़ते हो तो आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो क्या पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो निषेचन, विकास विभाजन और भिन्न विभिन्नता या भिन्नता क्या कहलाती है तीस चार दो हजार चौदह का ये पेपर है एम्ब्रियोलॉजी अब बताओ जो क्वेश्चन मैंने अभी तक करा दिए वो सारे एग्जाम के हैं कि नहीं है उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन किए हैं ब्रांच ऑफ 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 जोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ह्यूमन ह्यूमन रेस रेस जब आप आप के के बारे बारे में में पढ़ते हो आप मानव के बारे में पढ़ते हो तो आप कौन सी चीज पढ़ रहे हो ह्यूमन रेस के बारे में जब आप पढ़ने लग रहे हो तो आप एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान पढ़ रहे हो पौधों में रोगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है पौधों में रोग या फिर उनके प्रकार का संक्रमण क्या है फाइटोपैथोलॉजी आरआरबी एनटीपीसी 2016 मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित प्राणियों पर मिट्टी के प्रभाव को इडेफोलॉजी एनटीपीसी स्टेज वन अट्ठाईस चार विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मेन यानी कि आदमी के लिए एंड्रोलॉजी करके याद रखिए चिकित्सा विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा विषय यकृत के उपचार से या यकृत के संबंध से संबंधित है तो पैटोलॉजी जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान कहा जाता है आपका टेक्सोनोमी मैं आपको इसीलिए देखिए ये क्लास अभी पहली दूसरी है आप अपना मन बना लीजिए आप समझ लीजिए कि जो मैं करा रही हूँ वो वो करा रही हूं जब मैं आपको कह रही हूं कि ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है तो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है ये मैं नाम एग्जाम के नाम के साथ दिखा रही हूँ उससे पहले मैंने बिना एग्जाम के नाम के साथ दिखाया है तो ये भरोसा करना पड़ेगा ये चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको मेरे साथ बिल्कुल एकदम कहते हैं ना ना उस रिलेशन से पढ़ना पड़ेगा कि भाई जो ये कराएंगी न, वो इतना सही कराएंगी कि हमें सारा एग्जाम जो है ना वो पूरा कवर हो जाएगा इसीलिए मैं क्वेश्चन पहले आपको प्लेन कराए अपने हिसाब से कराए अब मैं जो है ना वो एग्जाम के जो एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आपकी जो चीजें हैं ना मतलब आपकी जो है ना वो याद रखिए आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाए आपका जो भरोसा है ना वो यहाँ पेक्सोनोमी पे करके याद रखिए रखियेमी बेसिकली किस चीज से रिलेट करता है आर आरवी एन बायोडायवर्सिटी उन्नीस चार दो यानी कि जैव विविधता से संबंधित है इसमें आपके जो है ना वो आंसर डिटेल में भी है जोलॉजी किसकी अध्ययन को बोलते हैं तो जोलॉजी हम एनिमल्स के अध्ययन को बोलते हैं what is the branch of science that will these will life or possibility beyond dark क्या कहा जाता है आपका एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है यहाँ पे बताइए तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे, जैसे बंदर वानर के बारे में पढ़ना क्या कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी या प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है किस नाम से प्राइमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है ठीक है कौन मकड़ियों का या इनमें से किसको मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं तो एरेक्नोलॉजी करके याद रखिए एरेक्नोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन के लिए कहा जाता है सोरोलॉजी किसके लिए कहा जाता है लिजॉर्ड यानी कि छिपकली के लिए कहा जाता है भाई अगर क्लास बिल्कुल पहले क्वेश्चन से देखी होती तो स्पीड वाला जो बात है वो आप ना कहते तो क्लास शुरू से देखा करो दस, एक लिखित दस्तावेज जो मानव शास्त्रीय संस्कृति को दर्शाने वाले शोध से लिया गया है तो हमारा जो किताब है उसको किस नाम से जानते हैं इथेनोग्राफी करके याद रखें। इथेनोग्राफी करके याद रखें व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड एज तो बर्ड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व रिमेन प्रिजर्व रिमेन की बात होती है तो क्या लिखना है आर्कियोलॉजी लिखे क्या नहीं पैलेंटोलॉजी क्या लिखेंगे पेलियोटोलॉजी अब याद भी हो गए सारा डिटेल में वट इज दी स्टडी इन बट वी स्टडी इन बॉटनी बॉटनी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो प्लांट्स के बारे में या पौधों के बारे में ऑनकोलॉजी किसके बीमारी के लिए है कैंसर की बीमारी के लिए ठीक है ऑनकोलॉजी कैंसर की बीमारी माइकोलॉजी किसके लिए कहा जाता है स्टडी ऑफ मशरूम कहा जाता है वट इज ऑनरोलॉजी ऑनरोलॉजी किससे संबंधित है जब आप सपने देखते हो तो उसको हम क्या कहते है? हैं ऑन्यरोलॉजी कहा जाता है किससे रिलेटेड है की कल्टीवेशन यानी कि रेशम के कीड़ों से टॉक्सिकोलॉजी क्या है जहर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो हम इसे टॉक्सोलॉजी कहते हैं अच्छा एक चीज और याद रखिए कि जहर जो होता है वो हमारे कौन से वाले हिस्से में आता है नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी कीड़ा हमें काटता है सांप काटता है तो उसका जो जहर है वो कहा जा रहा है हमारे नर्वस सिस्टम में स्टडी ऑफ फॉसल क्या कहा जाता है पेलियोटोलॉजी कहा जाता है ठीक है पेलियनटोलॉजी पेलियंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है पेलियोटोलॉजी तो किससे संबंधित है फॉसल से संबंधित है मैं यहाँ पे इसीलिए आपको क्वेश्चन के साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए आर आरबी जेई इकतीस पांच दो का ये पेपर है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अध्ययन क्या बोला जाता है हिस्टोलॉजी टिश्यूज को पढ़ रहे हो तो हिस्टोलॉजी है साइटोलॉजी को पढ़ रहे हो तो सेल है अच्छा अब एक क्वेश्चन लास्ट बता दीजिए आर आरबी एन टीपीसी पांच चार दो हजार सोलह शिफ्ट टू में आया था स्टेज वन में आया था एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान किसे कहा जाता है एनसीआरटी की पुरानी थ्योरी क्लासेस तो आप जाके देख लो ना जहां पे भी मैंने एनसीआर की पुरानी थ्योरी क्लासेस की हैं जो कि शायद क्लास ट्वेंटी फोर इसी चैनल पे मैंने सारी बेस्ट क्लास की हैं आप जाके वही क्लासेस देख लो दोबारा क्यों अपलोड करनी है वो होंगी ना वहां पे भाई जो हट गया ना वो मेरे पास से भी हट गया जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है जो हट गया वो मेरे पास से भी हट गया हमने किया था नाइन्थ और टेंथ एनसीआर का सेशन किया था नाइन्थ और टेंथ एनसीआर हमने नाइन्थ और टेंथ का पूरा एनसीईआरटी की किताबों का रेफरेंस लेके सारी चीजें पढ़ी थी है ना तो ये शायद आप वही क्लास के लिए बोल रहे हो तो अगर यूट्यूब पे होगा तो वो आपको भी मिल जाएगा आप वहीं जाके देख लो कोई दिक्कत नहीं है स्टडी एंड अकरेंस ऑफ द स्टडी एंड अकर स्टडी कहा हाँ ये स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन लार्ज पॉपुलेशन महामारी एपिडमोलॉजी बोलते हैं जैसे कोरोना हुआ था वो महामारी था ना एपिडमोलॉजी मेडिकल ब्रांच का साइंस है मतलब मेडिकल ब्रांच की वो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे आप किसी भी बीमारी के होने या किसी भी बीमारी के ना होने का कारण जो है वो पढ़ते हो कि सडनली ये बीमारी आई और ये बीमारी जो है वो चली भी गई ये उस चीज के लिए बोला जाता है तो बड़ी आबादी में पॉपुलेशन में बीमारी की घटना और प्रसार का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं एपी एपिडेमियोलॉजी uh, है कहा जाता है अच्छा क्या इतने से हो जाएगा क्या आपने ये तो दिखा दिया कि जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं लेकिन अगर इसके बाहर कोई आ गया तो है ना एडिनोलॉजी पूछ लिया गया एल्गोलॉजी पूछ लिया गया आर्थरोलॉजी पूछा लग गया ब्रायोलॉजी पूछ लिया गया चिरोलॉजी पूछ लिया गया साइटोलॉजी तो खैर आपको समझ आई गया एंटोजोलॉजी पूछ लिया गया कैलोलॉजी पूछा तो क्या बोलेंगे बताइए जरा कैलोलॉजी क्या होता है कैलोलॉजी व्हाट इज कैलोलॉजी कैलोलॉजी किसको कहते हैं जब आप ब्यूटी के बारे में पढ़ते हो सुंदरता है ना ब्यूटी के बारे में पढ़ा जा रहा है तो कैलोलॉजी कहते हैं तो याद रखिए कि ये जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ये दो पार्ट में हैं ऊपर भी हैं फिर दोबारा नीचे भी हैं नीचे आप देख सकते हो कि शिफ्ट के वाइज लगे हुए हैं इसके अलावा जहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं वहां पे आपका थ्योरी चार्ट भी लगा हुआ है आपके इस थ्योरी के अंदर जो आपको मिल रही है इसमें नाइन्टी स्टडीज है ठीक है मतलब नौ ऐसी चीजें हैं जो अध्ययन है क्या क्या किस किस का है सारे बायोलॉजी के हैं नेफ्रोलॉजी नोसोलॉजी ओडोंटोलॉजी ऑयकोलॉजी ऊलॉजी ऑप्टिक्स कैसे कहते हैं ऑप्थोमोलॉजी क्या होता है पैलियोबालॉजी क्या होता है पैथोलॉजी क्या होता है फिजियोलॉजी क्या होता है फाइटोलॉजी क्या होता है ये सब कुछ आपका अटैच है इसी पी में जो आपको मिलेगी है ना इसी पी में जो आपको मिलने वाली है मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए जो बच्चे अलग अलग डिमांड करते हैं ये क्लास आपकी एमसी चल रही है और टॉपिक वाइज चल रही है ठीक है इसमें मैं पूरी साइंस आपको कवर कराऊंगी पूरी साइंस कवर होगी इसमें लेकिन पहले हम बायोलॉजी कर रहे हैं वही वाली बात है अगर मैंने फिजिक्स शुरू की होती तो बायो के लिए आते बच्चे मैंने अगर फिजिक्स शुरू होगी तो केमिस्ट्री के लिए आते केमिस्ट्री होती तो बायो के लिए आते तो यहाँ पे बायो फिर फिजिक्स करेंगे और फिर केमिस्ट्री करेंगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे एक चैप्टर जो मैं शुरू करूंगी उसके सारे एमसीक्यूज आपको कराऊंगी वो चाहे ब्रह्मांड के किसी पेपर में आओगे, और बोलो ठीक है दूसरी चीज ये ये वाला सेक्शन कंप्लीट है अब जो बच्चे जीके के लिए बोल रहे हैं जीके का याद रखिए पर डे क्लास नहीं करेंगे अभी जब तक आरपीएफ का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिये जीके आपको एएलपी के लिए नहीं चाहिए टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए नहीं चाहिए थोड़ा बहुत चाहिए वो कैसे कंप्लीट हो जाएगा जब हम वीकली करेंगे यानी कि हर सैटरडे या संडे को मैं आपको जीके का एक सेशन लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको जीके के और करंट अफेयर के वीकली क्वेश्चन करा दूंगी कि इस पूरे वीक करंट अफेयर में क्या हुआ और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप करोगे तो जीके जो है ना वो आप वीकली करोगे जब तक हम साइंस का मेजोरिटी हिस्सा कवर नहीं कर ले रहे हैं ए एल पी का आगे देखो आगे आपके एग्जाम कौन से हैं आपके आपका ए और टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें क्या चीज इम्पोर्टेंट है उसमें साइंस इम्पोर्टेंट है ठीक है इसके बाद जो आपके पेपर आएंगे वो एन डी आएंगे है ना ग्रुप डी के आने तक आप साइंस इतनी सारी मुझसे पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फिर आप सिर्फ जीके पे फोकस कर सकते हो और साइंस का मेरे साथ रिवाइज करते रहोगे तो ये जो आप ये समझ लो कि अगर मैं अभी साइंस करा रही हूँ तो ये मेरे छह महीने की स्ट्रेटजी का एक पार्ट है जहां पे मैं आपको पहले साइंस का मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको बायो कंप्लीट कराऊंगी उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगी और साथ में वीकली करंट अफेयर और जीके चलेगा और साथ में जो है ना वो हम जैसे ही साइंस हमारी मेजोरिटी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके साथ जो है वो हम क्या करने वाले हैं हम अपना जो जीके पोर्शन है उसको कवर करेंगे तो आप ये मत समझो कि ये क्लास कोई एक दिन दो दिन चल रही है कि आज मैं आपको न्यूमेरिकल करा दू और आपका काम हो जाएगा आज मैं आपको जीके करा दू तो उससे काम हो जाएगा नहीं आपका ये पूरा सिक्स मंथ्स का कोर्स है आप ये समझ लो जैसे आप यूट्यूब के द्वारा किसी कोर्स के लिए जाते हो कि अच्छा देखो कोर्स प्रमोट किया जाता है पैसों से दिया जाता है तो आप लोग को लगता है अरे बाप रे ये तो जरूरी है ज्वाइन करना यहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपका ये पूरा फ्री सेशन लेके आऊंगी अगले छह महीने में आपकी पूरी साइंस तो अच्छी होगी ही होगी बिना किसी शक के दायरे से बाहर निकलना है और जीके का सेशन भी आपका हो जाएगा और आपका एनसीआरटी वाला जो है यहाँ पे वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है भाई साहब उसके लिए आप दोबारा दोबारा नहीं लिखिए ठीक है आप जो है वो एनसीआर यहीं से पढ़ सकते हो जो भी एनसीआरटी है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपडेटेड है आप उन्ही क्लासेस को यहाँ पे देख लो ये आपका साइंस टॉपिक वाइज चलेगा और जब मेरा साइंस पूरा हो जाएगा तो यहीं पे हम जीके टॉपिक वाइज कर लेंगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज होगे अभी आप साइंस पढ़ो जो मैं पीडीएफ देती हूँ वो आप अगले दिन तक करके आओ यही बहुत बड़ी बात है वरना आप में से आधी जनता वो है जो पीडीएफ लेके कभी उसको पढ़ती नहीं है तो आपको मैं जो दे रही हूं वो पूरा यहाँ पे कवर करो ठीक है पहले साइंस मेरे देखो अब मैं साइंस भी पढ़ा रही हूँ शाम को मैं साइंस पढ़ा रही हूँ सुबह जीके पढ़ा रही हूँ फिर शाम को जीके पढ़ा रही हूँ सैटरडे संडे पता ही नहीं है जीके करना है साइंस करना है ऐसे आप भी कंफ्यूज रहोगे और मेरी भी एफिशियंसी नहीं आएगी तो पहले पूरा साइंस खत्म करते हैं पहले पूरा साइंस खत्म करते हैं उसके बाद जो है ना वो हम यहाँ पे चीजें लेके आएंगे ठीक है आपका यहाँ पे उसके बाद चीजें लेके आएंगे जो भी कोर्स हम करेंगे वेदर आप बायो करो आप फिजिक्स करो और आप केमिस्ट्री करो है ना आपके पास उतना क्वेश्चन होगा आपकी समझ उतनी पहुंच चुकी होगी कि उसके लेवल उसके ऊपर का लेवल ही नहीं है या तो जो मैंने आपको समझाया बायो में फिजिक्स में केमिस्ट्री में उस लेवल को अगर आप समझ गए हो तो उसके ऊपर का कोई लेवल ही नहीं है मैंने अगर किसी टॉपिक में जैसे मैंने कल ह्यूमन आई में आपको सौ क्वेश्चन दिए है ना ह्यूमन आई में आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं बताओ जरा सौ क्वेश्चन मिले है ना आप उन सौ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो साठ मिले अभी जितने क्वेश्चन मिले उनको ध्यान से पढ़ लो उसके ऊपर लेवल ही नहीं है भाई आज जो मैं आपको ब्रांचेस दे रही हूँ आपको जो मैं क्वेश्चन दिए वो सब क्वेश्चन पढ़ लो और नब्बे मैंने नीचे ब्रांचेस लिखी हैं इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में तो जो मैं करूंगी ना वो टॉपिक को कंप्लीट करूंगी अब कल जो है ना वो एनिमल सेल और प्लांट सेल के क्वेश्चन करेंगे अगेन इसके भी आपके हंड्रेड के आसपास फ्रेश क्वेश्चन जो आपको मेरे साथ पढ़ना है है ना ये आपकी जो पीडीएफ है जो मेरे साथ पढ़ रहे हो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप पढ़ो तो एक देखो दो चीजें हैं एक तो इस हफ्ते पूरे जो है ना वो इस तरीके की क्लासेस आएंगी साइंस टॉप फिफ्टी करके टॉप फिफ्टी करके मतलब टॉप फिफ्टी का मतलब है भाई इस क्लास में जो मैं क्वेश्चन दूंगी ना वो पचास कम से कम ऐसे क्वेश्चन है जिनके बाहर से कुछ जाएगा नहीं ये इस टॉपिक के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है ये यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लीजिए उसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है वो बढ़िया आपको कवर करेंगे तो कल भी इसके जितने मैक्सिमम एक टॉपिक देखिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं उतने लेके आऊंगी फिर चाहे वो सेल का चैप्टर है चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है चाहे फिर आपका मेटल और नॉन मेटल है चाहे फिर फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है तो अगर मुझे लगता है इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन तो बनने चाहिए वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो ये पूरा यहाँ पे आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा गो फॉर इट कल की क्लास एनिमल सेल और प्लांट सेल वाली है साइंस टॉप फिफ्टी क्वेश्चन जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इस सैटरडे हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं क्लास हमेशा आपकी आठ बजे ही रहेगी चाहे आप मैराथन सेशन लो चाहे कुछ ही लो आपकी क्लास जो है वो शाम को आठ बजे ही रहेगी ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे कवर करना है ठीक है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लेकिन अगर आपका इतने से नहीं हो रहा आपको लग रहा है कि भाई मुझे एमसीक्यू पढ़ना ही नहीं है मुझे जो पढ़ना है ना वो थ्योरी पढ़नी है पूरी मैं तो साइंस की एक बार जिंदगी में थ्योरी पढ़ना चाहता हूँ ऐसे कि दोबारा आप फिर मुझे 2024 में मुझे जितने भी रेलवे के पेपर देने हैं मुझे ए एल पी देना है मुझे, मुझे टेक्नीशियन देना है फिर उसके बाद मैं ग्रुप डी के लिए भी एलिजिबल तो हूँ ही जब एएलपी दे पा रहा हूँ उसके बाद एन टीपीसी भी दे सकता हूँ आरपीएफ आ गया तो आरपीएफ भी दे सकता हूँ अभी जो आया है वो फेक है तो अगर आपको लगता है यार मुझे इन सारे एग्जाम्स के लिए बार बार नहीं ना मेहनत करनी बार बार क्यों साइंस पढ़नी है तो आप फाउंडेशन बैच 2024 का जो है वो आप ज्वाइन कर लो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों चीजें डिटेल में होंगी आपको क्वेश्चन की ई e बुक मिल जाएगी ठीक है तो झंझट ही नहीं सारे क्वेश्चन ई बुक में एक साथ मिल जाएंगे 300 क्वेश्चन की बायो की किताब ऑलरेडी प्रिपेयर है वो आपको द डे वन जैसी हम बायो शुरू करेंगे तब आपको मिल जाएगी ठीक है और बाकी सारा भाई मेरे बसकर एनसीआर पूरी आयात ये जो है उसमें लिखो ना और ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं है ना अभी एल का एग्जाम है और पैटर्न पे पहले अपन एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे हर एक चैप्टर के फिर मैं एनसीआर पे भी लाऊंगी आपको आप रुको तो छह महीने का टाइम मिला है ना पहले दिन मत इतना विचलित हो जाओ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब आपको अगर थ्योरी पूरी पढ़नी है तो रेलवे के लिए आप क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन जो है वो ज्वाइन कर लो मतलब डाउनलोड कर लो वहां पे ओपन करोगे अपना आईडी वाइडी बना लो और रेलवे सेक्शन में जाके पहली क्लास आपको रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच जो है वो नजर आ, आ रहा होगा उसको करो ठीक है ये पूरा पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा और बाकी आप अगर नए हो इस चैनल पे तो डाउनलोड कर लो ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे ठीक है ठीक है समझ आ गई सारी बात कल सेल वाला चैप्टर जो है वो पढ़ना है और पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे तो सेल वाले चैप्टर के लिए आप कल आइए अभी के लिए गए थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर पीडीएफ अभी दस मिनट के अंदर अपडोट अपडेट हो जाएगा हर जगह उसको बढ़िया रिवाइज कर लीजिए और कल आने से पहले पी पढ़ के आना जो बच्चा पीडीएफ नहीं पढ़ पाया कल तक वो क्लास में आना मत बात खत्म ठीक है पढ़ के आना पी डी एफ चलिए